मेरे द्वारा कराई जाने वाली अनेक साधनाओं को सीखने के लिए आध्यात्मिक रहस्य को और ध्यान की विधियों की गहराइयों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वे बेल बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको साधनाओं को जानने का व करने का मौका मिले। चेतना का विकास। संसार में चलने के लिए दो रास्ते हैं, एक अच्छा एक बुरा। जब बच्चा कुछ बड़ा होता है तो उसकी चेतना शक्ति जागृत होकर दिशा ढूंढती है, और हम उसे क्या दिशा देते हैं ये हमारे हाथ में है। दिशा अर्थात रास्ता अच्छा या बुरा। यदि उस बच्चे को अच्छा रास्ता मिल गया तो रामकृष्ण संत बन जाएगा, और बुरा मिल गया तो रावण, कंस, हिटलर या आतंकवादी बन जाएगा। हम सभी के भीतर चेतना के उच्च स्तर छुपे हुए हैं, वह प्रकाश की भांति बाहर आने को तत्पर रहती है, और जिस दिन वह प्रकट हो जाती है तो फिर वह शासक बन जाता है। सभी उसके आगे झुकते हैं, चाहे खुशी से चाहे विवश होकर। चेतना का उच्च स्तर वह शक्ति होगी जिससे फिर वह जो करेगा वही नीति होगी, और वो जो कहेगा वही सत्य होगा। जब चेतना तामसिक व राजसी वृत्तियों की ओर बढ़ती है तो अत्याचारी, क्रूर, हिंसक, बलात्कारी, तानाशाह मनुष्य पैदा होता है, जो हर तरफ दुख ही दुख फैलाता है, कष्ट ही कष्ट देता है, चारों तरफ आफत आ जाती है। वहीं चेतना जब सात्विक वृत्तियों की ओर बढ़ती है तो सदाचारी, दयावान, हितकारी, देवतुल्य मनुष्य पैदा होता है, और हर तरफ सुख, शांति, आनंद का प्रसार होने लगता है। मानव को ईश्वर ने बनाकर श्रेष्ठ तन, मन, बुद्धि प्रदान की, जिससे उसने इतना विकास किया, परंतु बुद्धि से किया विकास विनाश का कारण बन रहा है। हमने जितनी सुविधाएं तैयार की हैं उतनी ही वह कष्ट प्रदान कर रही हैं। मनुष्य ने जहां विकास को प्रस्तुत किया वहीं परमाणु बम जैसी रचना का विनाश की भी रचना कर दी है। अतः अब बुद्धि से आगे चेतना के स्तर को बढ़ाना है। श्री अरविंद जी ने चेतना के स्तर को 5 भागों में व्यक्त किया: सामान्य मन, उच्चतर मन, प्रकाशित मन, संबंध मन और ओवर माइंड, सुपर माइंड। इससे ऊपर का स्तर है सुपर माइंड, जिसे मानव छूता नहीं है, ना ही छूने की कोशिश करता है, परंतु संत, महात्मा, योगी इसको छूते हैं और पूरे समाज पर शासन करते हैं। आज समय की मांग भी है और जरूरत भी। मनुष्य चेतना उच्च स्तर की जगह और निम्न स्तर की ओर जा रही है। चेतना की ऊर्जा के भी दो रास्ते हैं, एक मूलाधार से होती हुई बाहर निकल जाए, या ऊपर की ओर सहस्ता चक्र पर पहुंचकर सुपर माइंड, सुपर एनर्जिक बना दे। लेकिन आज चेतना स्तर को नीचे गिराने के लिए बहुत से साधन समाज में उत्पन्न हैं। मनोरंजन के नाम पर टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, खानपान आदि अनेक ऐसे साधन उपलब्ध हैं जिनसे हमारी चेतना पशुवत, हिंसक, अप्राकृतिक होती जा रही है, जिसका परिणाम है छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार, घर में होते झगड़े, बिखरता परिवार, समाज, विदेश। यदि हमें इस बिखराव को रोकना है तो चेतना के स्तरों को जानना होगा। सात्विक चेतना से हमें सुपर एनर्जी को पाना होगा। जो ऊर्जा हमारे अंदर सुसुप्त व निष्क्रिय है उसे जागृत करना होगा। यदि हमें मानवीय विकास करना है तो चेतना का विकास करना ही होगा। जो केवल सात्विक साधना अध्यात्म से ही संभव है, जिससे मनुष्य की चेतना परिकृष्ट होकर ऊपर उठती है और आत्मा का विकास हो जाता है, हमारे अंदर का पशु तत्व समाप्त हो जाता है और देवतत्व पैदा हो जाता है।
इस प्रकार विकास में हमें दिव्यता पैदा करनी है, देवता बनना है, मानव से अति मानव, नर से नारायण, शुद्ध से महान बनना है। यह परिवर्तन आएगा जरूर, क्योंकि समाज को इसकी जरूरत है, संसार को परिवर्तन की जरूरत है, यही सत्य है। जब मनुष्य चेतना की गहराइयों में उतरेगा तो मन के विचार खत्म होंगे, वासना की मलिनता हट जाएगी और एक सुंदर समाज की रचना हो पाएगी। खुदी को कल बुलंद इतना कि हर तबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। चेतना के स्तर को इतना उच्चतर बनाना है, उच्चतर पहुंचाना है कि हम देव सम बन जाएं, बुद्ध, महावीर, कबीर, साईं जैसे हो जाएं, जहाँ कुछ भी अप्राय नहीं रहे, सब कुछ स्वयं के अनुसार हो, जो सभी को सुख व आनंद दे, और एक बार फिर वही प्राचीन भारत हमारे सामने हो, जहाँ सभी के दिलों में प्रेम बसता हो, जहाँ हर बच्चा ईश्वर बेटी देवी का अवतार मानी जाती थी। तो चेतना के स्तर को इतना उच्च बना दें जहाँ सब कुछ संभव हो, सब कुछ पाया जा सके। ओम।